हेलो सर, माय क्वेश्चन इज व्हाट आर योर व्यूज ऑन द रिजर्वेशन सिस्टम इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट. सो लाइक इफ योर पार्टी कम्स इनटू पावर, व्हाट यू डू अबाउट इट? तेजस, सबसे पहले दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड डेलिकेट क्वेश्चन, सो यू हैव टू गिव मी टाइम टू एक्सप्लेन दिस। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि देर इज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन अ कंट्री जो पिछले कई सालों से, पिछले कई सेंचुरीज से दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अनटचेबिलिटी एंड इनजस्टिस। एंड ऐसा नहीं है कि अभी ये खत्म हो गया है। आज भी हमारे देश के अंदर जो हम पढ़ते थे कहानियां कि कुएं में पानी नहीं लेने देते, उनकी परछाई अगर लग जाए तो अपने आप को अपवित्र मानते हैं, वो सारी चीज़ें आज आप अगर आप यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार के गांव में चले जाएं तो आज भी इन लोगों के गांव के बाहर टोले होते हैं, सेपरेट हैबिटेशंस आर देयर, ये लोग वहां रहते हैं। तो द सेम काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट। सो हमें ये लगता है कि ऐसे लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उन लोगों को समाज से मदद मिलनी चाहिए। एंड एक्सपीरियंस शोज कि जिस जिसको ऐसा रिजर्वेशन मिला उनको और उनके आसपास के परिवार को फायदा हुआ। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि जिसको एक बार ही रिजर्वेशन मिल जाए उसके बाद वो रिजर्वेशन उनकी फैमिली की बजाय दूसरों को मिलना चाहिए, सो दैट लार्जर पीपल कम इन द नेट। लेकिन एक दिन मैं बैठ के कैलकुलेट कर रहा था कि टोटल 25-30 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कि इन सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और हमारे देश में 2 लाख के करीब नौकरियां ऐसी हैं जिसमें रिजर्वेशन के बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप 2 लाख नौकरियों से 25 करोड़ लोगों को पहुंचने की कोशिश करोगे 1,000 साल लग जाएंगे। सो इसलिए हमारा ये मानना है देर इज वन थिंग विच कैन ब्रिंग एवरी वन एट पार इन वन जनरेशन एंड दैट इज एजुकेशन। हमारा ये मानना है, हमने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि एजुकेशन, सरकारी स्कूलों की कंडीशन, चाहे कितना भी पैसा खर्चा करना पड़े, इफ यू हैव द पॉलिटिकल विल, सरकारी स्कूलों की एजुकेशन इतनी अच्छी कर दो कि सारे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल है उनके लेवल पे आ जाएं। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो जो टोले में रह रहा है, उत्तर प्रदेश के और बिहार के टोले में, उसको ये तो नहीं पता कि ये रिजर्वेशन किस चिड़िया का नाम है, उस तक पता नहीं रिजर्वेशन कब पहुंचेगा, लेकिन उसको ये पता, उसका बच्चा जो है वो अच्छे सरकारी स्कूल में जाने लग जाएगा, और एक जनरेशन के अंदर ये हम सब लोग एक साथ बराबरी के ऊपर आके खड़े हो जाएंगे। सो एजुकेशन इज वन थिंग दैट इज अ ग्रेट लेवलर विच कैन ब्रिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर।